नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी 2.2 को बनाने से पहले उससे रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको क्लियर कर रहे हैं, और उसके बाद में जो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो आप लोग 2.2 को पूरी तरह से अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं गुणनखंड करना बता रहा हूँ, कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ठीक है, गुणनखंड करने का सबसे आसान विधि, ठीक है, सबसे आसान तरीका तो दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इतना है, और इसको हमें क्या करना है कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, लगभग 8 क्लास में भी पढ़ना है इसको। तो चलिए 10th क्लास में इसको और मैं अच्छे ढंग से डील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। चलिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला जो होता है और सबसे लास्ट वाला में गुणा किया जाता है। ठीक है, तो गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। फिर देखते हैं जितना गुणा करके आता है, जितना गुणा करके आया उसके बाद में देखते हैं बीच वाला जो है, बीच वाला को देखते हुए इसका गुणनखंड किया जाता है। तो यहाँ पर 10 आ गया, तो अब देखेंगे कि 10 को कैसे तोड़ेंगे कि या तो जोड़ कर देखेंगे तो 7x आना चाहिए, नहीं तो घटा कर देखेंगे, तो यानी कोई एक नियम पालन होना चाहिए, कोई एक नियम लागू होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 10x² को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर से अभी मतलब नहीं रखना है, 10x 10 है तो 10 को जब तोड़ेंगे तो कितना बार में, 2 5 टूट गया, यानी 2 और 5 के रूप में टूट रहा है। तो इसको बताइए इसका गुणनखंड करेंगे तो जो गुणनखंड इस तरह से किया जाता है कि बीच वाला को फॉलो करे नियम का, इसका जो बीच वाला संख्या उसको वह आना चाहिए या तो जोड़कर या घटाकर। तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में टूटेगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों को या तो जोड़कर एक बार देखेंगे तो बीच वाला आना चाहिए, नहीं तो घटाकर देखेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि इसको जोड़ेंगे तो आएगा कि घटाएंगे तो आएगा। तो देखिए, तो 2 माइनस अगर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर है तो इसमें भी एगो एक्स बैठा देंगे, इसमें भी एगो एक्स। ठीक, अब ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत। तो यहाँ पर अगला स्टेप जो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इतना हो गया। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखा जाता है कि जो तोड़े हैं उसको गुणा करने पर इतना आना चाहिए जितना कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में गुणा करके लाए हैं। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुणा किए हैं तो इतना आया है, और इसको जब तोड़े हैं तोड़ने के बाद इसका गुणनखंड भी इतना आना चाहिए, और दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला जो संख्या, बीच वाला कितना है, 7x है ना, तो इसको जोड़े एक नियम पर फॉलो होना चाहिए। नहीं जरूरी है कि घटा कर भी देखेंगे तो उतना चाहिए और गुणा करके चाहे जोड़ेंगे भी तो उतना आना चाहिए, कोई एक नियम, या तो घटा कर देखेंगे तो इतना आना चाहिए, नहीं तो जोड़ कर देखेंगे तो उतना आना चाहिए, कोई एक नियम का पालन करना चाहिए। तो इसके बाद में अगला स्टेप जो होगा, ध्यान देंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। ठीक, फिर प्लस 2x है तो इसको 2 गुणे x लिख सकते हैं। फिर प्लस 5x है तो इसको कैसे, 5 गुणे x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, ध्यान देंगे। फिर प्लस 10 को कैसे, 2 गुणे 5 लिख देंगे। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको और इसको दोनों का दो दो को जोड़ा लग गया है ना यहां से, और 4 को जब होता है तो दो दो का जोड़ा लग जाता है। ठीक, अब दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x है, इसमें और x है, नहीं, यानी दोनों में से क्या मिल रहा है, दोनों में से मिल रहा है क्या, x कॉमन। x जब कॉमन लेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर
जब एक्स यहाँ पर इसमें से एक एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ पर एक्स कॉमन एगो ले लिए, ढक दे रहे हैं तो कितना दिखाई दे रहा है एक्स, एक, तो एक एक्स बच गया। फिर इसमें बीच में जोड़े तो जोड़ लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स एक ले लिए हैं, यहाँ पर एक्स क्या है ले लिए हैं, तो क्या बचा टू, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें फाइव है, इसमें भी फाइव है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है नहीं, इसमें टू है, इसमें टू है नहीं, यानी जो दोनों में मिलता है वही उसका क्या होता है कॉमन लिया जाता है। पांच कॉमन होगा तो बताइए इसमें से पांच, पांच गुणे एक्स है तो पांच कॉमन ले लिए तो बचेगा, पांच जो कॉमन लेंगे क्या दिखाई देगा एक्स, फिर प्लस है तो प्लस। फिर दो और पांच में पांच कॉमन ले लिए तो बचा क्या दो। ठीक, अब मान लीजिए सोल्व कर रहे हैं और इतना तक पहुंचे, आपको पता होना चाहिए कि अगर सही अगर बना रहे हैं, ठीक सही अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कोष्ट वाला में दोनों देख रहे हैं यहाँ पर बराबर आ गया ना, तो इसको भी देखकर पता कर सकते हैं अभी तक सही चल रहे हैं। तो देखिए अब इसको कोष्ट से बाहरी वाला जो है उसको एक मिलेंगे, यानी कोष्ट से बाहरी कौन कौन है, एक्स है और प्लस पांच है, तो इसको एक मिले लेंगे एक्स प्लस पांच, और दोनों जब एक जैसा जो रहता है उसको एक ले लिया जाता है। ठीक, चलिए इसका गुणनखंड हो गया, लेकिन जो बिहार बोर्ड में हम लोग का इसके थोड़ा सा और जस्ट आगे चलना है, जो दिया है जिस तरह से हमें सोल्व करना है कि इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता होगा किसी भी संख्या को शून्यक ज्ञात करने के लिए, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका शून्यक ज्ञात करने के लिए उस संख्या को जीरो के बराबर किया जाता है। ठीक, तो देखिए एक्स प्लस फाइव बराबर कितना हो जाएगा जीरो, और इसका एक्स प्लस टू बराबर कितना हो जाएगा जीरो, तो इधर से एक्स बराबर इधर जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, एक्स बराबर माइनस पांच और इधर से एक्स बराबर इधर से ही जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस टू, यानी यही दोनों क्या हो गया शून्य, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। चलिए इसको आप लोग तो इस विधि से बता दिया आप लोगों को, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में दे दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया और आप लोग इतना देरी लगाएंगे, इतना समय लेंगे तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इससे भी आसान विधि कोई है तो हाँ एक और विधि है, आप लोग बता सकते हैं बहुत जल्दी, जितना इसमें समय लगा है उससे बहुत कम समय में। ठीक, तो चलिए बता रहे हैं दूसरा विधि से कैसे बना सकते हैं इसको, ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस दस कितना है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहां पर ध्यान देते हैं कि जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो होता है, ठीक सबसे पहले जो जैसे गुणा किए हैं वैसे, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना x स्क्वायर गुणे दस करेंगे तो कितना हो जाएगा दस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो कितना के रूप में आएगा टू और फाइव के रूप में आएगा आ जाएगा, यानी टू तो एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स लगा दीजिए, इसमें भी एक्स लगा दीजिए। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझा रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस दस इतना है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में गुणा करेंगे, गुणा कर दिए इतना में गुणा किए दस एक्स स्क्वायर आ गया। तो जब दस दस का इसका गुणनखंड करेंगे तो दो एक्स और पांच के रूप में आएगा, क्यों आएगा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, इसका रीजन है बीच वाला को देखेंगे सेवन एक्स है यहाँ पर, तो 10 वाला 10 का जब गुणनखंड करेंगे ऐसा गुणनखंड करना है, या तो जोड़ कर देखेंगे तो बीच वाला जो दिया है वो आना चाहिए, या घटा कर देखेंगे तो आना चाहिए, यानी या तो जोड़ कर आ जाना चाहिए नहीं तो घटा कर, वैसे बैठाया जाता है। तो 10x स्क्वायर है, इसको किसे गुणनखंड जब करेंगे तो 2 और 5 के रूप में टूटेगा, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा ना, तो बीच में कितना लाना है 7x, किसी भी तरह का दिक्कत। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं और इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, इतना आ गया। ठीक, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे क्या कि यहां से ध्यान देंगे
चलिए यहाँ पर जो एक से लिखा गया है, एक को अभी नहीं लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, यही ध्यान देना है। मुख्य रूप से जो लिखे हैं 2x 5x लिखे हैं, यहाँ पर यही ध्यान रखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है। तो इसके बाद में स्टेप, इसका अगला स्टेप जो होगा, 10 को हम तोड़े हैं, ठीक, 2 और 5 के रूप में तोड़ दिए, ठीक, कैसे तोड़े आप लोग को समझ में आ गया कि इसका गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के रूप में होगा, ठीक। अब यहाँ पर बीच वाला जो है उस वैसे 7x 7 लाना है हमको, तो 7 कैसे आएगा बताइए, इसमें से 2 में से अगर 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, -3 हो जाएगा, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 और 5 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है। अब बताइए इसके साथ जो चर राशि है, ठीक है, चर और अचर आप लोग जानते हैं, ठीक, तो यहां पर ध्यान देंगे कि एक्स है, इसके साथ में क्या है, एक्स है, तो इससे पहले क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक, और इसके पहले लिख देंगे एक्स, दोनों को रूट में रख देंगे और क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 हो गया इतना, इसके बराबर 0 कर देंगे और फिर एक्स प्लस 5 बराबर इसको बराबर 0 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसका शून्यक निकाल देंगे, एक्स बराबर इधर से जाएगा तो -2 हो जाएगा, इधर से एक्स बराबर इधर जाएगा तो -5, यानी -2 और -5 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे सभी समझ में आएगा, आप लोग एक दो क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है, 2-3 बना दीजिएगा आप लोग, सब बनाने आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम कुछ आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चलिए मान लीजिए दे दिया x² - 2x - 8, ठीक, तो इसको हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड का इससे ज्ञात किया जाता है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x² - 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x² - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x² होगा। और इसको इस तरह से तोड़ेंगे, बीच वाला देखेंगे, बीच वाला क्या है, -2 है, तो हमें क्या लाना है, -2, तो इसका अब कैसे हम गुणनखंड करेंगे, या तो जोड़कर या घटाकर, कोई भी एक विधि से हमें -2 लाना है, ठीक। तो इसको करेंगे तो कैसे आएगा, आप लोग खुद बताइए कि 8 का करेंगे तो देखिए 2 और 4 के रूप में टूट सकता है, टूटेगा, तो देखिए इसको अगर जोड़ेंगे हम, क्या हमें लाना है, क्या है, -2 लाना है, तो -2 कैसे आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, घटाते हैं तो कितना होगा, देखिए 2 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना आ सकता है, मेरा कितना आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, तो कैसे होगा यहाँ पर, यानी 2 और -4 के रूप में, समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला और लास्ट वाला में सबसे पहले गुणा करेंगे, तो गुणा किए हैं तो कितना है, -8x² है, ठीक, तो -8 आ गया, तो इसको 8 को हम तोड़े हैं, 2 और 4 के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, यहां पर देखते हुए कि माइनस क्या लाना है, हमें 2 लाना है, ठीक, तो सबसे पहले 8 को तोड़े हैं 2 और 4 को, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अब 2 और 4 आ गया, तो 2 4 से हमें कैसे प्राप्त करना है बीच वाला संख्या, ऐसे तोड़ा जाता है कि या तो जोड़कर या घटाकर बीच वाला जो संख्या दिया उसको लाना है, तो यहाँ पर -2 लाना है हमको, तो 2 और 4 के रूप में जब टूटा हमारा, तो देख रहे हैं कि जोड़ के देखेंगे तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो उस पर तो बात बनता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने दिमाग से देखेंगे इसको कैसे करेंगे कि -2 आएगा, तो अगर 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ सकता है, 2 - 4 बराबर -2 आ जाएगा, और गुणा भी इसका करेंगे दोनों का तो ये वाला आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा ना, 4 × 2 = 8, यानी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि या तो जोड़कर या घटाकर देखेंगे तो बीच वाला आना चाहिए, और जो दोनों संख्या जोड़ या घटाव कर रहे हैं
तो जो गुड़ा करेंगे तो उसका जितना ये गुड़ा करके लाए हैं उतना आना चाहिए, ठीक, उतना आना चाहिए। तो देखिए दो चौका आठ, माइनस आठ आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। यानी एक नियम यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी इसका गुणनखंड करेंगे तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला आना चाहिए, लेकिन दोनों का जब गुणा करेंगे तो वो संख्या आना चाहिए। तब समझ लीजिए आप सही ट्रैक का है, नहीं तो गलत बन रहा है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर कितना कितना मिला, दो और माइनस चार, तो इसमें एक्स लगा दीजिए और इसमें भी एक्स लगा देंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस छिपा हुआ है, प्लस टू एक्स लिख देंगे और फिर माइनस फोर एक्स, फिर माइनस आठ। चलिए एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स गुड़े एक्स, फिर प्लस दू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, दो गुड़े एक्स, फिर माइनस फोर एक्स है तो फोर एक्स को कैसे लिखेंगे, दो गुड़े एक्स लिख सकते हैं, दो गुड़े एक्स लिख सकते हैं ना। और इसको बताइए आप लोग माइनस आठ को कैसे लिखेंगे, माइनस दो गुड़े दो, ठीक। चलिए अगला स्टेप में बढ़ते हैं, कॉमन लेने के लिए बताए हैं, दोनों में से दो दो जोड़ा लग गया है, ठीक, ये दोनों में से क्या कॉमन है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो देखिए दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एक्स लिख ले लिए तो बचा क्या, ये गो एक्स, फिर प्लस है तो प्लस। अब बताइए इसमें से एक्स ले लिए तो बचा क्या, दो बचा, फिर माइनस है तो माइनस, माइनस जब कॉमन लिया जाता है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो उसके बाद जो चिन्ह आने वाली चिन्ह रहेगी, तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों में से अब बताइए कॉमन क्या है, एक दो, एक दो, इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, यानी इसमें से दो दो को मिल रहा है, इसमें से दो दो को मिल रहा है, यानी दो दुनी चार, चार कॉमन हो जाएगा, तो ये दो दुनी चार हो गया तो बचा क्या, एक्स, फिर माइनस है तो माइनस, दो को दो मिल गया है, दो दुनी चार यहाँ पर, तो बचा क्या, एक दो बचा, तो यहाँ पर लिख दिया। अब जो बाहर है एक कोष्ठ में लेके देंगे और दोनों कोष्ठ एक जैसा है, जो यहाँ पर गलती हो गया, देखिए माइनस बताएं कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस। तो चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इसको और इसको एक में ले लेंगे, x माइनस चार, ठीक, और इसको x प्लस, दोनों में से कॉमन एक, इतना तक गुणनखंड हमारा हो गया। और इसका शून्यक निकालना है तो उससे भी आसान विधि है, क्या है, इसको जीरो के बराबर करेंगे, x माइनस चार बराबर जीरो, और इसको x प्लस टू बराबर जीरो। तो बताइए x बराबर इधर से जाएगा बराबर, उस साइड में माइनस में है तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, और इधर से प्लस में है बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में, ठीक। यहाँ पर एक आप लोग को एक इम्पोर्टेंट मैं कुछ बता दे रहा हूं, महत्वपूर्ण बात है कि देखिए जब प्लस में और प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, ठीक, और माइनस में प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है, जब माइनस में और माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, ठीक, और जब प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है। यहां पर ध्यान देंगे, किसी भी तरह का दिक्कत, ये आप लोगों को हमेशा दिमाग में याद रखना है कि जब प्लस में प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, माइनस में प्लस से तो माइनस, और माइनस में माइनस से तो प्लस, और प्लस में माइनस से तो माइनस, ठीक। अगर माइनस आ गया प्लस के साथ गुणा में तो या तो इस पर प्लस रहे या उस पर प्लस रहे, उसका माइनस कर ही देगा, ठीक। तो यहां तक आप लोगों को शून्य ये वाला समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा जो विधि है मैं बता रहा हूं कि किस ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान देंगे इसको सॉल्व करना है हम सेकेंड मेथड विधि से। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग को एग्जांपल में बताया हूं उस तरह से आप लोग ध्यान दें कि कितना है, एक्स स्क्वायर
माइनस दो एक्स और माइनस आठ, इतना इसका शून्य निकालना है हमें। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे कि कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुणे माइनस आठ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस आठ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बताइए बीच वाला हमें लाना है, बीच वाला लाने के लिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, दो गुणे दो गुणे दो, चिन्ह से अभी मतलब नहीं रखना है हमें, ठीक, अभी चिन्ह चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे, दो गुणे दो गुणे दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, इतना हो गया, यानी इसको कौन कौन अगर लेंगे तो चार और दो के रूप में ले लेंगे, क्योंकि चार दूनी आठ। अब ध्यान देंगे कि चार और दो को किस ढंग से हम सजाएंगे, या चार दो लिख लिए या दो चार, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो बीच में हमें क्या लाना है, माइनस दो। तो बताइए इसको और इसको क्या करेंगे कि माइनस दो आएगा, अगर दो जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएंगे, घटाएंगे तो, यानी दो में से चार को घटाएंगे तो माइनस दो बच जाएगा। तो यहां पर ध्यान देंगे कि हमें क्या क्या मिला, दो मिला और चार मिला, तो बीच में क्या लाना है, माइनस दो। तो माइनस दो कैसे आएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि दो कौमा माइनस चार लिख सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, तो इसके इसके आगे अब एक्स इसके साथ है, तो इसको प्लस में एक्स एक्स को प्लस दो जो है एक एक्स प्लस दो लिख देंगे, और ये माइनस चार है तो इसको एक्स माइनस चार लिख देंगे। ठीक, अब इसका शून्यक निकाले, गुणनखंड निकल गया, फिर हम ट्रिक में बता रहा हूँ, ट्रिक विधि से आप लोग बना सकते हैं। तो अब इसको एक्स प्लस दो बराबर जीरो शून्यक निकालना हो तो, और एक्स माइनस चार बराबर जीरो हो जाएगा। तो बताइए एक्स बराबर इधर से जाएगा तो माइनस दो, इधर से जाएगा इस साइड में तो क्या हो जाएगा, चार। देखिए तो आ गया, एक्स बराबर चार आया और एक्स बराबर माइनस दो, इधर उधर होने से कुछ अंतर नहीं होने वाला है, आंसर वही है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगला टाइप है किस ढंग से बनाना है, शून्य दिया रहेगा और बहुपद निकालना रहता है, किस ढंग से निकाला जाता है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देकर बता रहे हैं आप लोगों को, चलिए एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि मान लीजिए दे दिया, यहां पर ध्यान देंगे कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इतना है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे सबसे पहले करते क्या है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में जैसे गुणा होता है करेंगे, तो कितना फोर एक्स स्क्वायर में एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका अब क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, चार का गुणनखंड करेंगे तो दो और दो के रूप में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, दो दूनी चार, और दो मिल गया हमें। ठीक, अब यहाँ पर बीच वाला जो है वही लाना है, या तो जोड़कर या घटाकर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि माइनस फोर एक्स है, माइनस फोर एक्स है या फोर है, माइनस फोर है, माइनस फोर हमको लाना है, तो इसको क्या करेंगे कि माइनस फोर आएगा, तो एक और जोड़कर देख रहे हैं या घटाकर देख रहे हैं, यही दोनों नियम है ना। तो चलिए दो और दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चार, चार तो हो जाएगा लेकिन क्या में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तो काम तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर दो में से दो घटाएंगे, दो प्लस दो बराबर कितना हो जाएगा, चार, दो माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन गड़बड़ होने की बात यहाँ पर नहीं बनती, देखिए कैसे करेंगे, यहां तक हो गया। चलिए अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, माइनस चार लाने के लिए बताइए, दो और दो है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस दो और माइनस दो। ठीक, तो इसको जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, माइनस चार हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यानी जैसे जैसे दिया जाता है माइनस थ्री और माइनस टू, तो माइनस थ्री या माइनस टू इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीन दो, अगर ऐसा चिन्ह दिया रहता है तो दोनों संख्या को जोड़ा जाता है, तीन और दो पांच जोड़ेंगे और चिन्ह लिख देंगे माइनस का, समझ में आया। कहने का मेरा सीधे से मतलब है, आप लोग को इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, माइनस दो
माइनस पांच है, इसको बताना है कितना होगा, कितना। आदमी थोड़ा इस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है कि माइनस दो रुपये कहने का मतलब है दो रुपया उधार था आपके, आपको किसी पर दो रुपया उधार था और पांच रुपया और उधारी हो गया तो कितना रुपया आपके पास उधारी पूरा हो जाएगा, पांच रुपया दो रुपया कितना सात रुपया। और उधार को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि माइनस में रखना है हमको, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कितना के रूप में टूट गया, माइनस दो और माइनस दो हो गया। तो चलिए अब इसमें भी एक्स लगा दीजिए, इसमें भी एक्स लगा देंगे, तो यहां पर कैसे फोर एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स फिर प्लस वन, ठीक। अब बताइए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, टू गुड़े एक्स स्क्वायर एक्स गुड़े एक्स फिर माइनस टू एक्स को कैसे टू गुड़े एक्स फिर माइनस टू एक्स को कैसे टू गुड़े एक्स फिर प्लस वन हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें दो है इसमें दो है इसमें एक्स है इसमें है, दोनों में से क्या कॉमन दो एक्स कॉमन हो गया। तो बताइए दो एक्स जब कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचा, दो एक्स बचा फिर माइनस दो एक्स कॉमन पूरा ले लिया, जब पूरा पूरा कॉमन ले लिया जाता है तो क्या बचता है एक, फिर माइनस है तो माइनस, दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से तो हमको लग रहा है कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ आप लोगों को दिखाई नहीं देगा कि कॉमन नहीं हो रहा है तो सीधे आंख बंद करके माइनस वन जिसे एक ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए, तो माइनस भी कॉमन लिया है तो यहाँ दोनों में से कॉमन क्या होगा माइनस वन, एक कॉमन लेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या होगा टू एक्स, फिर जब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला क्या होगा माइनस एक है तो एक, इसको और इसको एक में लेंगे तो क्या होगा टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, और दोनों में से एक जैसा है तो दोनों में से कॉमन को ले लेंगे। शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है कुछ नहीं करना है, इसको जीरो के बराबर करना है, टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, और फिर इसको टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो बताइए एक्स बराबर डायरेक्ट वन बटा में टू हो जाएगा, इधर से एक्स बराबर वन बटा में टू, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। चलिए इसको आसान विधि से बता रहा हूं, जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान विधि एक और विधि है, लेकिन जब एग्जाम में देगा ऑब्जेक्टिव छोड़कर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जैसे दो नंबर तीन नंबर का, तो आप लोग को इस जो विधि बताएं इस विधि से बताना है, और ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप लोग को इस विधि से बताना है, कोई भी गुणनखंड हो आप लोग बहुत जल्द सोल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा फोर एक्स स्क्वायर होगा, फोर एक्स स्क्वायर हो गया। अब बताइए इसको क्या करेंगे कि ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला आना चाहिए, माइनस चार लाना है, तो बताइए इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, दो और दो के रूप में तोड़ देंगे चार को, दो दूनी चार, बीच में क्या लाना है माइनस चार लाना है, तो बताइए माइनस दो और माइनस दो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस चार आ जाएगा। चलिए इसके बाद में क्या करेंगे ध्यान देंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप लोग देख रहे होंगे पीछे जो दो क्वेश्चन मैंने बताया हूं वहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया था, इस तरह से करके कुछ क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर के आगे स्क्वायर के आगे कुछ संख्या नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में स्क्वायर के आगे कुछ जो संख्या दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह के कैसे इसको सोल्व करेंगे, इतना तक हो गया क्लियर है। चलिए माइनस दो हो गया, माइनस दो हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस चार। अब ध्यान देंगे कि करेंगे क्या, अब कि जो एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या है, एक्स स्क्वायर के आगे वाली की कौन सी संख्या है चार है, तो इसमें भी उतना से भाग करेंगे और यहां
उसी एक्स स्क्वायर से जो आगे है इसका दूसरा में भी उतना ही से भाग करें। यानी कहने का मतलब है कि जब लास्ट में इधर से संख्या छोटा दे दे, ठीक, तो दोनों का गुणा करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जैसे तोड़ा जाता है उसको तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद, ठीक, जब x जुड़ना रहता है, x को लिखना रहता है, पोस्ट में लेना रहता है, उससे पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर का जो रहता है गुणांक जो होता है उससे जो गुणनखंड हम किए हैं उसमें भाग करते हैं, तो भाग करेंगे, यानी इसमें भी चार से भागा करेंगे, इसमें भी चार से भागा करेंगे, तो बताइए क्या बचेगा हमारा, माइनस वन बटा में टू, और इसका भी क्या होगा, माइनस वन बटा में टू। तो अब इसको क्या करेंगे, x के साथ ले लेंगे, तो इसको लेंगे x के साथ, तो बताइए x माइनस वन बटा टू होगा, हो जाएगा, अब फिर ये भी क्या होगा, x माइनस वन बटा में टू होगा। शून्यक निकालना है तो जीरो को बराबर कर देंगे, तो x माइनस वन बाय टू बराबर जीरो, इसको x माइनस वन बाय टू बराबर जीरो, तो बताइए इधर से x बराबर करेंगे उधर जाएगा तो क्या होगा, एक बटा में दो, इधर इस तरह से वो भी चल जाएगा, तो वन बटा में टू, तो इसका भी शून्य कितना हो गया, एक बटा दो, एक बटा दो। चलिए एक ट्रिक है, सबसे आसान, एकदम बहुत ही आसान है, आप लोग क्या कीजिएगा कि बार बार इसको बस एक दो बार ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह का गुणनखंड दिया रहेगा आप लोग एक मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, एक मिनट तो बहुत हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरा जो क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली जो है 2.2, उसमें क्वेश्चन नंबर दो जो दिया है शून्यक दिया है, और उससे हमें बहुपद ज्ञात करना है, उससे हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो उसको बनाने का सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को एग्जांपल देकर मैं बता रहा हूँ और आप लोग समझिएगा। इस तरह से दे देगा कि कोई भी दो शून्यक दे देगा, शून्यक नहीं दिया रहेगा, कह देगा कि एक शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है, हमें क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक। मान लीजिए एग्जांपल पर मैं बता रहा हूँ कि दे दिया कि एक बटा चार है माइनस दो, एक बटा चार है और माइनस दो है, और क्वेश्चन में कह देगा कि पहला जो है पहला शून्यकों का योग है और दूसरे का शून्यकों का गुणनफल है, इस तरह से देगा कि पहला जो है शून्यकों का योग है और दूसरे का शून्यकों क्या है, गुणनफल, हमें बहुपद ज्ञात करके बताइए क्या होगा। तो देखिए बहुपद ज्ञात करने का सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात, देखिए द्विघात बहुपद आप लोग नाम सुनते ही आप लोग बता सकते हैं कि कितना शून्यक हो सकता है। द्विघात बहुपद कहेगा तो उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, दो, त्रिघात कहेगा तो तीन, चार घात कहेगा तो चार, समझ में आ रहा है, जितना घात कहेगा उतना उसका शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र इसका होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, हम एकदम हिंदी में लिख कर बता रहे हैं, अल्फा बीटा गामा बहुत सारे आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उस तरह से नहीं, सबसे आसान विधि कि कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं क्या है कि अल्फा बीटा ही मानेंगे, बहुत सारे अल्फा बीटा ही माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, अपना नाम भी मान सकते हैं आप लोग, कि मान लीजिए हम है, अपने दोस्त का नाम भी मान सकते हैं कि पहला हम है दूसरा मेरा दोस्त है, ठीक है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यही सूत्र होता है। जिसको ये सूत्र याद हो गया, समझ लीजिए कोई भी शून्यक दिया रहेगा, या शून्यक पहला दिया रहेगा, शून्यकों का योग है और दूसरे का शून्यकों का गुणनफल है, बहुपद ज्ञात करें, इस सूत्र पर आप लोग बना सकते हैं,
कैसे बनाएंगे, या दे दिया कि दोनों सुम्यक है तब इस पर ही बनेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हम इस पर रखकर बना रहे हैं, कैसे बहुपद ज्ञात किया जाता है जब शून्यक दिया रहेगा तब। कैसे हम जो पीछे बताए हैं कि गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात कर रहे थे, और शून्यक से अब हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद जो शुरू में आया था एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस दस कुछ भी करके उस तरह का हमें लाना है। तो बताइए शून्यकों का योग कितना है, यहाँ पर एक बटा चार है, शून्यकों का गुणनफल कितना है माइनस दो। तो सूत्र जो लिखेंगे कि क्या सूत्र होता है, यह सूत्र होता है तो k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है, पहले का एक बटा चार है, तो शून्यकों का योग जहां है एक बटा चार रख देंगे, तो एक बटा चार इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है माइनस दो, तो यहां पर क्या लिख देंगे माइनस दो। तो यहां पर ध्यान देंगे के इंटू एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स बटा में क्या हो जाएगा चार, गुणा को करेंगे तो एक्स ऊपर चला जाएगा एक्स बटा में चार, फिर प्लस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा माइनस दो। इतना तक क्लियर होगा। चलिए अगला स्टेप में पढ़ते हैं के इंटू, यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के बाटा में कुछ नहीं तो क्या है एक है, और इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है एक है, सबका एलसीएम ज्ञात, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए, के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा चार, और इसको हल करने पर कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस आठ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रखेंगे के बराबर जितना नीचे एलसीएम आता है, ठीक है, जितना एलसीएम आता है उतना ही रखा जाता है के स्थान पर, नीचे कितना आया है चार, तो इसके स्थान पर भी चार रखेंगे, अगर पांच आ रहा था तो पांच रखते, दस आता तो दस रखते, तो के बराबर चार रखने पर, के बराबर कितना रखने पर चार रखने पर, तो बताइए के स्थान पर जब चार रखेंगे हम, ठीक है, तो चार इंटू कितना होगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आठ बटा में कितना हो जाएगा चार। ठीक, ये चार से चार खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अब बताइए यहाँ पर जो हमारा बहुपद जो ज्ञात होगा p इंटू एक्स बराबर कितना होगा फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आठ, यही हमारा क्या हो गया बहुपद निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए यहां तक किसी भी तरह का दिक्कत चलिए नहीं होगा। चलिए और एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान देंगे कि इसमें कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप, और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जोड़ घटाओ गुणा भागा ये कंप्लीट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दिक्कत है, और आप लोग एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे तो दिक्कत हालांकि नहीं होने हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए दे दिया दो, दे दिया और दे दिया माइनस पांच, ठीक, और ये कह रहा है पहला जो है शून्यकों का योग है और दूसरा का शून्यकों का गुणनफल, यानी पहले का शून्यकों का योग है और दूसरा का शून्यकों क्या है गुणनफल है, हमें क्या ज्ञात करना है बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे, आप लोग का मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है ये सूत्र, याद रहेगा तो क्वेश्चन सब आप लोग बना सकते हैं। तो सोल्व करते हैं के स्थान पर के इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्वेश्चन में क्या दिया है दो दिया है तो दो रख देंगे, इंटू एक्स है तो एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है माइनस पांच, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस पांच, कोष्टक जैसे है बंद कर देंगे। फिर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा टू एक्स, और प्लस और माइनस में गुणा किया जाता है क्या होता है प्लस माइनस माइनस पांच। ठीक, अब देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, सीधे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, सबके बाटा में कुछ नहीं तो एक एक, जैसे कहने का मतलब है कि इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक है, इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक है, इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक है। चलिए के इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो एक ही होगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस फाइव। अब बराबर बताइए के बराबर कितना रखेंगे एक रखेंगे, के बराबर वन रखने, के बराबर वन रखने पर, तो बताइए के स्थान पर अगर वन रखते हैं
के स्थान पर वन रखते हैं तो क्या होगा, वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस फाइव हो जाएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके बाद बेटा में कितना है, एक है, एक से एक खत्म हो गया, तो क्या बचेगा हमारा, जो बहुपद आएगा पी इंटू एक्स बराबर बताइए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस फाइव, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक दिक्कत हालांकि नहीं होना चाहिए, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आ जाता है जो लड़कों को बहुत ही सस्पेंस में डाल देता है और बहुत सारे लड़का लड़की गलती बना देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती बना देते हैं। तो इस पर एक और आधारित क्वेश्चन आता है, मैं उसको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं किस तरह का भी सॉल्व करने का क्वेश्चन बताया हूँ कि जो अगर पहला शून्यकों का योग दिया रहेगा और दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो आप लोग को बहुपद ज्ञात करना रहेगा, तो आप लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, सिखा दिए बता दिए। अब ध्यान देंगे, जब दोनों शून्यक दिया रहेगा, जैसे कि दे रहा था, मान लीजिए दे दिया पांच, ठीक, और एक बटा में टू, और कहने का मतलब है जो पहला टाइप बताया हूं कि पहला शून्यकों का योग है दूसरा का शून्यकों का गुणनफल, उसको तो आप लोग समझ लिए, लेकिन जब दोनों शून्यक कह देगा कि दोनों शून्यक है और हमें बहुपद ज्ञात करना है, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर कह देगा कि दोनों शून्यक है और इससे हमें बहुपद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे, इस सूत्र सब पर वही सूत्र लगेगा, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, जब दोनों शून्यक दिया रहेगा तब कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस, ध्यान देंगे कि के है तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यको का योग, तो शून्यक हमारा कौन कौन है, ये दोनों शून्यक दिया है तो शून्यको का योग का मतलब दोनों जब शून्यक दिया रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है शून्यको का योग तो शून्यको का दोनों का योग कर देंगे यानी जोड़ कर देंगे, तो पांच प्लस एक बटा में टू। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब दोनों शून्यक दिया रहेगा तब ये काम करना है, अगर पहला शून्यकों का योग रहेगा और दूसरा का शून्यकों का गुणनफल, तो जैसे पहला है तो पहला बार में यहाँ पर रख देते थे पूरा मान, गुणनफल कह रहा था तो उठा के दूसरे जगह पर रख देते थे, लेकिन जब दोनों शून्यक रहेगा तो शून्यकों का योग जहाँ है तो दोनों को योग करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे, और इंटू एक्स है तो एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी दोनों शून्यक है ना, तो इसका गुणनफल मतलब शून्य दोनों का गुणनफल करेंगे तो पांच गुणे एक बटा में टू। ठीक, चलिए अब आते हैं अगला स्टेप में, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसका बाटा पर जोड़ करेंगे, दो पांच दस, दस एक ग्यारह बटा में टू, और एक्स से जब गुणा होगा तो हो जाएगा ग्यारह एक्स बटा में टू, फिर प्लस इसको पांच एकम पांच और बाटा में दो है तो दो। अब बताइए इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब बताइए अगला स्टेप में आते हैं, यहां तक दिक्कत, चलिए के इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, दो होगा, फिर इसको करेंगे तो दो एकम दो, टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स और फिर प्लस। ठीक, अब बताइए के बराबर कितना रखेंगे, के बराबर दो रखने पर, के बराबर कितना रखने पर, दो रखने पर, तो यहां पर जब रखेंगे के स्थान पर दो रखेंगे तो क्या होगा, दो इंटू ध्यान देंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स और प्लस पांच और बाटा में कितना हो जाएगा, दो। ठीक, अब देखिए दो से दो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, जो बहुपद आएगा क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स और प्लस पांच, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ध्यान देंगे। मैं क्या बोला हूं, जब दोनों शून्यक दिया रहेगा तब इस विधि से बनाएंगे, जहां कहेगा शून्य को जैसे है वैसे, के है तो के, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर,
शून्य को का योग जब दोनों शून्य दिया रहेगा तब नियम, यानी जहाँ शून्य को का योग कर रहा है दोनों को जोड़ेंगे इंटू एक्स एट एक्स, शून्य को का गुणनफल कहेगा तो दोनों का गुणा करेंगे, यानी जहाँ जोड़ने के लिए कर रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे और जहाँ गुणा करने के लिए बोल रहा है वहां पर गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए इस तरह से बनेगा। तो ये दोनों में थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे छात्र जो होते हैं गलत कर देते हैं, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। ठीक है, एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ध्यान देंगे। कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखना है। अपने से कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि माइनस एक बटा दो है, ठीक है, और ये हो गया हो, ठीक, और इसको हमें दोनों शून्य है और इससे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलते हैं, चलिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, तो शून्य को का योग करेंगे तो माइनस एक बटा दो प्लस चार होगा इंटू एक्स है तो एक्स, फिर प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल मतलब माइनस एक बटा टू गुड़े चार कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसको करेंगे चार दुनी आठ, तो माइनस वन और प्लस चार दुनी आठ बटा में दो इंटू एक्स, समझ में आ रहा है, कहने का मतलब यानी दो में चार से गुणा करेंगे, चार दुनिया आठ माइनस वन है तो माइनस वन प्लस जो चौका आठ बटा में टू इंटू एक्स है तो एक्स, फिर प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, चार में एक से गुणा होगा क्या होगा चार, अब बटा में दो है तो दो, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, के है तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताइए आठ में से एक घटेगा तो कितना बचेगा सात, अब बटा में दो है तो दो इंटू एक्स है तो एक्स, फिर माइनस चार बटा दो है तो इसको चार बटा दो ले देंगे। ठीक, अब बताइए अब इसको और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप में के है तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसको करेंगे सेवन में एक्स से करेंगे कितना होगा सेवन एक्स, अब बटा में दो है तो दो माइनस चार बटा में दो। ठीक, अब चलिए इसको बाटा पर के जोड़ घटाओ जिससे होता है करेंगे, इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है एक है। अगला स्टेप में बढ़ते हैं, ध्यान देंगे के इंटू इसका एलसीएम कितना होगा बताइए आप लोग, एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना होगा सबका दो हो जाएगा, इसमें दो हो कम दो, दो बार में तो कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस के, अब बताइए के बराबर कितना रखेंगे, के बराबर दो रखने पर, के बराबर दो रखने पर तो दो के स्थान पर जब दो रखेंगे तो दो इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस चार बटा में दो से दो खत्म हो गया, तो जो हमारा बहुपद अब मिला यानी पी इंटू एक्स, पी इंटू एक्स बराबर कितना होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस फोर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ध्यान से देखेंगे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा और आप लोग अच्छा से देखकर कॉपी पर बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक।